वेलकम टू माई चैनल। और आज मेरा डे फर्स्ट है। आज मैं दिल्ली से केरला के लिए जा रही हूँ बाई ट्रेन एक्चुअली, और आते समय की फ्लाइट बुक कर दी है। सो अभी मैं ऑल सेट हूँ एंड दीज आर माई बैग्स आर रेडी। आई हैव 3 बैग्स और बस नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। विल कैच यू लेटर। बाय। पार्किंग में आ चुकी हूँ। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन सेक्टर। मैं अभी घर से गाड़ी में बैठ गई हूँ और यहाँ से सीधा सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से मुझे डायरेक्ट जो है एयरपोर्ट जो एक्सप्रेस है ना वो सीधा न्यू दिल्ली उतारेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो ट्रेन है वो 1 बजे की है, तो बस जल्दी से पहुँचते हैं और अपना केरला का सफर शुरू करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। यू नो ये है यहाँ का सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन और अभी हम यहाँ पार्किंग में जाएंगे। सेक्टर 21 की मॉल की पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके वे विल गो बाय द मेट्रो। फाइनली पार्किंग में पहुंच गई हूँ और यहाँ से अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। एक्चुअली 3rd फ्लोर पे यहाँ पे पार्किंग हुई है और हमें मेट्रो स्टेशन जाना है तो थोड़ा ज़्यादा ही वॉक करना पड़ेगा। सो ये सामने है मेट्रो स्टेशन। सो ये मॉल भी है। सी द स्पेसिफिक मॉल सेक्टर 21 D21। मॉल के लिए यहाँ से एंट्री होती है। तो यहाँ से हम एयरपोर्ट लाइन के लिए एंटर करेंगे। वी कैन सी कि जो अभी न्यू दिल्ली की मेट्रो है वो 6 मिनट लेट है। तो नई दिल्ली की ओर तो अभी जो है मेट्रो एक्सप्रेस लाइन आ चुकी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 5 मिनट्स का ब्रेक लेती है। सर दिस इज द मेट्रो। एयरपोर्ट लाइन कुछ उस तरीके से दिखती है। फाइनली मैं मेट्रो में बैठ गई हूँ और अब थोड़ी देर में हमारी मेट्रो चल पड़ेगी। एंड दिस इज वेरी सुपर फास्ट। इट विल टेक ओनली 20 मिनट्स फ्रॉम सेक्टर 21 टू न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। सो बहुत देर के बाद अब जो मेट्रो है वो बाहर आ गई है, अदरवाइज ये अंडरग्राउंड है दिल्ली एरो सिटी तक। तो अभी जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है वो है ढाला। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे उतर गई हूँ और यहाँ से अभी एग्जिट करना है, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन के पास भी जाना है। और वैसे मैं अपने टाइम से 1 घंटा पहले ही चल रही हूँ, क्योंकि यू नो ना कभी कभी कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं और हम लोग लेट हो जाते हैं। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक एनी रिस्क। सी ये यहाँ पे किस तरीके के ये बना रखे हैं ना यहाँ पे, विच इज इट सीम्स वेरी हॉरिबल। So this is the Delhi, New Delhi Metro Station, Airport Line. Quite beautiful, right? So, ये actually है ना बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। तो this is the last stage जहाँ से हम finally बाहर निकल जाएंगे। Thank you.
सो सामने आप देख सकते हो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, वो रहा, वहाँ मुझे जाना है. और यहाँ से यहाँ पे अभी एक नया यू नो रोड ब्रिज टाइप का बनाया है, जहाँ से आप डायरेक्टली मेट्रो से उतरकर यहाँ से हम रेलवे स्टेशन कनेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल, सी कितना क्यूट है ना. सो ये था हमारा मेट्रो स्टेशन और जस्ट इसके सामने, इसको क्रॉस करने के बाद है रेलवे स्टेशन. सो ये इस तरीके का है यहाँ से जाने का रोड क्रॉस. मेरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ गई है और बस अब कुछ ही देर में विद इन 2 to 3 minutes में इसमें बैठ जाऊंगी. बाय बाय दिल्ली. आपको पता है मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई. ये जो ट्रेन मेरे पीछे खड़ी है ये जा रही है पंजाब, बठिंडा जा रही है, और मुझे लगा कि ये मेरी वाली संपर्क एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस है. तो फिर जैसे ही मैं अपनी सीट पे पहुंची, जो मेरा सीट नंबर था, तो वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी. मैंने कहा आंटी आप मुझे ना अपनी सीट के नीचे ही सामान रखना है. देन शी सेड कि बेटा मुझे ना बठिंडा ही उतरना है, तो आप थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो 4-5 घंटे के लिए. मैंने कहा आंटी नहीं मुझे ना केरला जाना है. देन समवन केम एंड ही टोल्ड मी कि अरे मैम ये तो पंजाब की साइड जा रही है. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड. मैंने कहा अरे बाप रे. फिर फटाफट से नीचे उतरी और पता चला कि ये वो वाली ट्रेन है ही नहीं. पहले अनाउंसमेंट हो रही थी बट फिर ना ये दूसरी ट्रेन आ गई. नाउ आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय ट्रेन. पता नहीं कितनी देर में आएगी. इतना इंतजार करने के बाद मेरी ट्रेन अराइव कर चुकी है. सो फाइनली मैं अपनी ट्रेन में बैठ गई हूँ और ये मेरा दिल्ली मेट्रो स्टेशन है. अभी कुछ ही देर में यहाँ से बस मेरी ट्रेन चल पड़ेगी. सो आई हैव टू स्पेंड 2 nights और 23rd को मैं अराउंड 10 o'clock पहुँच जाऊँगी. Guys, I was sleeping. मैं इतना थक गई थी तो मुझे नींद आ गई थी. और अभी हम मतलब द नेक्स्ट स्टेशन इज कोटा, तो इट विल आई मीन टेक सम टाइम, मे बी 3 hours, बिकॉज पहले इसका टाइम था 6 o'clock कोटा पहुँचने का, जो कि जयपुर में है. और ये ट्रेन बन के आ रही है चंडीगढ़ से. सो मैंने यहाँ पे जो भी मेरे इस वाले बर्थ में लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से बात करी एंड दे ऑल आर वेरी गुड. और लकीली मुझे एक लड़की भी मिल गई, हर नेम इज़ गोपिका. सो शी विल ऑल्सो गो टू द एर्नाकुलम. आई एम क्वाइट हैप्पी. ओके मैं अभी थोड़ी देर में अपडेट्स देती रहूँगी दैट हाउ माई डे इज गोइंग ऑन. So I have reached and let me see the station name. It is in somewhere in Rajasthan. Okay. Actually this window glass is quite dirty because you know it cannot. I don't think so I'll be able to get the name. Oh yeah, this is Bayana. I have reached Bayana. So ab sunset hone laga hai and it's looking so beautiful. Aur hum pahunchenge Kota by 7:47. बिकॉज ये ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही थी. सो दिस इज द लास्ट व्यू क्योंकि अभी सनसेट भी हो चुका है और बस कुछ टाइम में अंधेरा होने वाला है. तो पहाड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं क्योंकि हम राजस्थान में एंटर कर चुके थे बहुत पहले ही,
कुछ ही देर में विदिन टू आवर्स हम कोटा भी पहुंच जाएंगे और फिर नाइट व्यू तो कुछ भी नहीं दिख पाएगा. सो आई थॉट कि एक लास्ट फुटेज लेते हैं. थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है बिकॉज जो ये ट्रेन है ना, इसका जो ये ग्लास है, दिस इज़ वेरी ब्लर्ड, मतलब अच्छे से साफ नहीं किया हुआ है. ऑर्डर लेने वाला आया था जो खाना ऑर्डर लेके जाते हैं, बट मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं तो घर से करेले की सब्जी और रोटी लेकर आई हूँ. सो आई बी ईटिंग दैट. सो फाइनली न्यू दिल्ली के बाद जो फर्स्ट स्टेशन यहाँ पे आया है, न्यू दिल्ली के बाद निज़ामुद्दीन स्टेशन था, उसके बाद अभी हम कोटा पहुँच गए हैं. 7:40 हो चुके हैं एंड वो मेरी ट्रेन है. मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ. देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, अंधेरा है तो इतना ज़्यादा नहीं दिख पाएगा क्योंकि ना बैठे बैठे मेरे पैर दर्द करने लग गए हैं. बस अब थोड़ी देर में मैं डिनर करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी और फिर कल का डे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे रात में खाना खाने के बाद एडिटिंग भी करनी है सो दैट कि मैं अपना ये फर्स्ट डे का व्लॉग लाइव कर पाऊँ. बाय गाइस. कोटा जंक्शन. सो नाउ दिस इज़ द डिनर टाइम. मैं करेले की सब्ज़ी बना के लेकर आई थी एंड दिस इज़ चपाती एंड देयर इज़ चिकन बिरयानी एज वेल. हे गाइस, अभी अभी जस्ट खाना खा लिया है और ट्रेन की लाइट्स भी ऑफ हो गई है और बस आई एम ऑल सेट ऑन माई बेड. मतलब जैसा भी ये होता है यू नो, ये तो कंबल तो ये लोग देते हैं, बाकी ब्लैंकेट मेरा सॉरी दिस चादर जो है वो मैंने अपनी यूज़ करी है बिकॉज यू नो ना इतना हाइजीन नहीं होता है. और देखो पता क्या एक अच्छी चीज़ है ना इसमें, यहाँ पे ना एक की लाइट दे रखी है विच इज़ वेरी गुड. मतलब सेपरेट हर सेगमेंट के लिए एक एक लाइट दे रखी है. अगर किसी को रात में रीडिंग करनी है या कुछ काम करना है या फिर किसी को अंधेरे में नींद नहीं आती है सो दे कैन स्विच ऑन दिस लाइट विच इज़ वेरी गुड. तो या इट वॉज माई डे और बस कल का दिन शुरू होगा. कल फिर मैं व्लॉगिंग करूँगी बिकॉज़ कल का दिन भी पूरा ट्रेन में जाने वाला है. आज का दिन तो मतलब इतनी थकावट नहीं हुई बिकॉज आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, बट या आई एम स्टिल एक्साइटेड. बट यू नो पीपल आर सेइंग कि ट्रेन में 2.5 डे का जो सफ़र होता है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है. तो मैं पहली बार ऐसे कर रही हूँ, वो भी सोलो ट्रिप ट्रेन से जाने का. मैंने सोचा कि यार ट्रेन से चलते हैं बिकॉज यू नो ना एक्सपीरियंस करना चाहिए चीज़ों का. सो या इट इज़ लाइक दैट एंड आई एम सो एक्साइटेड. ओके देन, गुड नाइट, सी यू टुमारो नेक्स्ट डे.